काफी सारे लीक्स और रूमर्स के बाद फाइनली रियलमी ने लॉन्च कर दिया रियलमी सी 15। जी हाँ, ये एक अपग्रेडेड वर्जन है रियलमी सी 11 का, जो कुछ दिन पहले इंडिया में लॉन्च हुआ था एट द प्राइस ऑफ 7,499 रुपीज। तो चलिए बात करते हैं रियलमी सी 15 के बारे में। डिजाइन के मामले में दोनों डिवाइस लगभग सेम ही है, खाली दो चीज में अंतर है। कैमरा के मामले में रियलमी सी 11 में डुअल कैमरा था, यहाँ पर क्वाड कैमरा है, और रियलमी सी 11 में कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं था, यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर है। बाकी अगर देखा जाए ओवरऑल लुक एंड फील गुड फैक्टर आर गोना बी सेम। इन टर्म्स ऑफ द डिस्प्ले रियलमी सी 11 के जैसा डिस्प्ले है रियलमी सी 15 में, विच इज 6.52 इंच HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले विद मिनी ड्रॉप नॉच 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो, उसके साथ साथ गोरिल्ला ग्लास 3 प्लस का प्रोडक्शन है। इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेसर यहां पर भी कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, मीडियाटेक का हीलियो G35 का प्रोसेसर दिया गया है, उसके साथ साथ पावर VR GE8320 का GPU दिया गया है। यह एक 12 nm प्रोसेसर है। बात करते हैं रैम और रोम के बारे में। रियलमी सी 11 ने खाली 2GB रैम एंड 32GB रोम था, लेकिन यहां पर आपको अलग अलग वेरियंट देखने को मिलता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 3GB रैम, 64GB रोम, 4GB रैम, 64GB रोम, और उसके साथ साथ 4GB रैम एंड 128GB रोम, उसके साथ साथ डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट जहां पर आप 256GB तक माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं। तो रैम रोम के मामले में यहां पर अलग अलग वेरिएंट लॉन्च किया गया है। एंड्रॉइड 10 और उसके साथ साथ रियलमी का यूआई का एंड्रॉइड 10 और उसके साथ साथ रियलमी यूआई का जो लेटेस्ट वर्जन वो यहां पर दिया गया है। बैटरी के मामले में भी थोड़ा बहुत अपडेट किया गया। रियलमी सी 11 में 5000 mAh का बैटरी था विद 10W का चार्जिंग, लेकिन रियलमी सी 15 में दिया गया 6000 mAh का बैटरी, 1000 mAh बढ़ा गया, उसके साथ साथ 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया। सबसे ज्यादा अगर अपडेट देखा जाए वो कैमरा डिपार्टमेंट में हुआ है। पहले रियलमी सी 11 में था डुअल कैमरा सेटअप, 13MP प्राइमरी सेंसर एंड 2MP का डेप्थ सेंसर, लेकिन रियलमी सी 15 में दिया गया क्वाड कैमरा सेटअप, 13MP प्राइमरी सेंसर, 8MP वाइड एंगल सेंसर, 2MP डेप्थ एंड 2MP मैक्रो सेंसर। तो ओवरऑल कैमरा के मामले में काफी ज्यादा अपग्रेड है। जहां तक सेल्फी कैमरा है रियलमी सी 11 में तो 5MP, यहां पर दिया गया है एक 8MP का सेल्फी कैमरा, उसके साथ साथ P2i नैनो कोटिंग मतलब हल्का फुल्का स्प्लैश रेजिस्टेंस, और जैसे मैंने बता रहा था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में विच इज द फिंगरप्रिंट स्कैनर यहां पर ऐड कर दिया गया है। अभी बात करते हैं प्राइस के बारे में। इंडोनेशिया में ये वाला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है और 3GB रैम 64GB रोम जिसका प्राइस किया गया लगभग 10,290 रुपए के आसपास, मतलब 10,000 रुपए आप पकड़ के चलो राइट। उसके बाद कंसेक्यूटिवली जो भी आप मॉडल लेते हैं उसके हिसाब से प्राइस इसका बड़ा है। इंडिया में अगर ये फोन लॉन्च होता है, होपफुली बहुत ही जल्दी लॉन्च होगा, मुझे नहीं लगता इस प्राइस में ये वाला फोन चलेगा। हालांकि 7,500 रुपए में ऑलरेडी C11 अवेलेबल है, C15 कितना में लॉन्च करेगा, 8,500-9,000? मुझे नहीं लगता ये वाला स्मार्टफोन उतना बड़ा अपग्रेड है। अगर आप मुझसे पूछते हो मैं बोलूंगा यही सब फीचर्स देके रियलमी C11 लॉन्च करना चाहिए था इंस्टेड ऑफ रियलमी C15। जो भी है ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन, आप जरूर से बताना क्या आपको ये लगता है कि रियलमी C11 में ऐसे बहुत सारा फीचर्स मिसिंग है जो रियलमी C15 में दिया गया है। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग रियलमी C11, आप डायरेक्टली रियलमी C15 लॉन्च कर सकते थे राइट। सो गाइज, अगर आप इससे सहमत है जरूर से कॉमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर और डेडॉग को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियोज देखने के लिए। सो इस वीडियो में अभी तक इतना ही, दिस इज योर होस्ट मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेडॉग, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।